आज हरिहर के मिलन का दिवस है, अर्थात श्री हरि विष्णु और भगवान शिव के मिलन का दिवस, एकादशी और सावन सोमवार। ऐसे में आवश्यक रूप से आज पशुपति व्रत किया होगा तो उसमें प्रदोष काल का समय बताऊंगी और साथ ही कुछ विशेष जानकारियां जो हमें गुरुजी द्वारा दी गई हैं। आवश्यक रूप से आज जो प्रदोष काल का समय होगा उस पर आप सभी ने सुना होगा पशुपति व्रत पूजन किया जाता है, तो आज जब भगवान शिव को जल चढ़ाने जाएं तो आवश्यक रूप से घर से ही जल का लोटा भर कर ले जाएं और साथ ही जब भी जल समर्पित करें तो उसमें से थोड़ा सा अंश जल का लेकर अपने घर पर पूरा छिड़काव करें। इससे जो है नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है, पॉजिटिविटी बनी रहती है और साथ ही इसे थोड़ा थोड़ा अपने सर आंखों पर लगाइए और इसको थोड़ा चरणामृत के रूप में पी लीजिए। इससे कई तरह के रोगों और शोकों का नाश होता है जैसे गुरुदेव बताते हैं। इसके साथ ही आवश्यक रूप से आज जो है दीपक इन जगहों पर जरूर लगाइएगा शाम के समय में, प्रदोष काल में या उसके बाद। वह स्थान है भगवान शिव का मंदिर और आज एकादशी है तो भगवान श्री हरि विष्णु और माता तुलसी के आगे दीपक लगाना न भूले। इससे ज्यादा अगर आप कर सके तो काफी उत्तम है। साथ ही आज जो है विशेष रूप से पशुपति व्रत रहेगा तो प्रदोष काल का जो समय है आपके शहर में हो सकता है थोड़ा सा 10 या 5 मिनट या 2-4 मिनट का अंतर रहे, तो मेरे शहर के हिसाब से बताना चाहूँगी। आप यह समय चाहें तो कैलेंडर या अपने न्यूज़पेपर या इंटरनेट की मदद से देख सकते हैं। कहने का अर्थ है गुरुदेव बताते हैं सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले और सूर्य अस्त होने के 45 मिनट बाद का समय जो है यह प्रदोष काल का समय माना जाता है। इस समय में अगर आप शिव पूजा करते हैं तो तत्काल फल मिलता है, तो ऐसे में आज जो प्रदोष काल का समय रहेगा वह है, जो प्रदोष काल समय होगा वह स्टार्ट होगा 6:25 से और समाप्त होगा 7:55 के आसपास। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है और जो है यह 1-1.5 घंटे का टाइम आप सभी जो है शिव पूजा में लगाते हैं तो काफ़ी जो है इसके फल उत्तम मिलते हैं। और निरंतर आज पूरे दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। हर हर महादेव। जय श्री शंभु।